हमीरपुर जनपद में इस समय कस्बे के आसपास सहित क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटान जोरों पर है। इतना ही नहीं, हरे पेड़ों को ठिकाने लगाने के लिए क्षेत्र में अवैध आरा मशीन और कोयला भट्टियां भी संचालित हो रही हैं, और इसके अलावा हरी लकड़ी को पड़ोसी जनपद बांदा में भेजकर भी ठिकाने लगाया जा रहा है। बताते चले कि मौदहा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिजनौडा, भौंसता, उरदना, गुड़दहा और खंडे सहित अन्य कई गांवों में इस दौरान हरे पेड़ों की कटान जोरों पर है, जिन्हें ठिकाने लगाने के लिए कुछ गांवों में अवैध आरा मशीन चल रही हैं तो कुछ गांवों में अवैध कोयला भट्टियां संचालित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, कस्बे के आसपास कप्सा रोड और सिसोलर रोड पर ही कस्बे के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ही कई कोयला भट्टियाँ चलाई जा रही हैं, जिन पर वन विभाग और कोतवाली पुलिस की नज़रें नहीं पड़ रही हैं। यह दोनों विभाग क्षेत्र में होने वाली हरे पेड़ों की अवैध कटान और चल रही कोयला भट्टियां और आरा मशीनों को अनदेखा कर रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र की लकड़ियों पर पड़ोसी जनपद बांदा के लकड़ी माफियाओं की इस कदर नज़र लग चुकी है कि बांदा के लकड़ी माफिया क्षेत्र के गांव की लकड़ी को लोडर में भरकर बेखौफ दिन दहाड़े निकल रहे हैं, जबकि बिना हेलमेट के बाइकों का चालान काटने वाली पुलिस को लकड़ी भरे वाहन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी इफ्तिखार अहमद ने बताया कि सरकार ने किसान को लाभ देने के उद्देश्य से बबूल, विलायती बबूल, यूकेलिप्टस, बेरी, चिल्ला जैसे पेड़ों की कटान और ढुलान यानी आवागमन की छूट दी हुई है। इसलिए इस संबंध में वन विभाग कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस के पास ट्रैक्टर पकड़ने का पावर है तो पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है। हमीरपुर से महेश कुमार श्रीवास की रिपोर्ट। ऑल इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिश्रा रोड लाइन, संपर्क करें 9336184688 7617041558। राजूपाल एवं माँ पीताम्बरा मैरिज गार्डन, शादी पार्टी एवं अन्य शुभ अवसर के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9415055525 8090155855 7355231447। पार्किंग के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। शिवपुरी रोड, टोल प्लाजा, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रॉपराइटर संजय कुमार मिश्र उर्फ संजू मिश्रा।